अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि अदर कंट्री के हम लोग उन विदेशी को ब्रिटिशर्स को यहाँ पर लाएं और वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किए, इसलिए मतलब बस स्पीचलेस आई एम एक्चुअली। शाम को भी यहाँ लेकर आया पूरा यूके रेडिंग से कि यहाँ के शादी करते। तो बाबा मंदिर में आकर आपने कैसा लग रहा है यहाँ पे पूजा पाठ? अच्छा, एकदम बहुत सही लग रहा है एकदम, और शाम में आके तो और ही एकदम मजा सही। खुश हैं? खुश है। How do you feel? Completely overwhelmed but in a very nice way. Married in Indian culture, how do you feel? In some ways there are similarities and in some ways I could be on a different planet. Happy? Are you happy? Thank you very much. Are you happy? Am I happy? I mean, very, I could very happy. Fly around the earth with my wings. Oh, thank you, thank you. ये मेरी लड़की की शादी हो रही है। मेरी लड़की लंदन में रहती है, उसने अपने पसंद से एक लड़का खोजा है जो कि वहीं लंदन में रहते हैं और उनकी शादी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आज शादी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इनका? क्या लड़का क्या कहेंगे? लड़की जिसमें हमारी खुश है, हमारी खुशी भी उसी में है, हम खुश हैं। यहाँ करने का उद्देश्य? यहाँ करने का मेन कि लड़की का ननिहाल यहाँ पर है और लड़की और किसी जगह के नाम से नहीं मानी, यहीं के नाम से मानी है, बाबा बैद्यनाथ के नाम से। दूसरा, ये शादी 2 साल पहले से होने वाली थी, कोरोना के वजह से वीज़ा वीज़ा के प्रॉब्लम के चलते टल रहा था, इसलिए ये शादी 2 साल बाद हुई, नहीं तो 2 साल पहले ही होने वाली थी। लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है? लड़का लंदन का है। कैसा लग रहा है एक विदेशी अपने सभ्यता में? हाँ, मुझे खुशी है, उसने हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के परिवार में पूरी तरह से अपने आप को मिला लिया है, बहुत खुशी हुई है। उसने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप हमारे समाज में मिलिए। अब लड़का लड़की जिसमें खुश रहे, जैसे रहे, वह हमारी खुशी उसी में। हमको बैद्यनाथ का आशीर्वाद चाहिए अपने बच्चों के लिए। हम अपने यजमान की बच्ची का एक फॉरनर लड़का से शादी करवा रहे हैं जो कि दोनों फॉरन में लंदन में रहती है। सुबह आए उसके पेरेंट्स आए मेरे पास कि मेरी लड़की की शादी मंदिर में होना है, आप उसका अरेंज कीजिए और शादी करवाइए। तो हम चूँकि तीर्थ पुरोहित हैं लखपुरा के और लखपुरा की बच्ची है तो हम सब कुछ अरेंज करके रखे हुए। हमको बड़ी खुशी हो रही है ये कि एक फॉरनर लड़का होकर के हमारे सनातन धर्म को मान करके मंदिर में बैठ करके शादी करने के लिए तैयार है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये मेरा सबसे बड़ा कमाई है, इसलिए करके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत ज़्यादा खुशी है। ये खुशी हमारे लिए जीवन को एक प्रेरणा दे के जाएगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को सनातन धर्म की ओर प्रेरित करें। इससे पहले किसी फॉरनर को देखे इस तरह की शादी? अपने मंदिर में ऐसी शादी तो होते हुए मेरे जीवन में ये पहली बार हम देख रहे हैं जो मुझे कराने का सौभाग्य प्राप्त है। ऐसा लग रहा है कि विदेशी कल्चर में तुम यहाँ पे शादी करके और खास कर अपने इंडिया में विदेशी को ले आए हैं और कल्चर हम लोग को समझा दिए सारा, इससे अच्छा क्या बात हो सकता है? तो कैसे चल जाएगी विदेश? कैसा लग रहा है आपको? कैसे मतलब चल जाएगी विदेश? ये विदेश में ही रहती है। मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे इंडियन कल्चर में आपके घर में? बहुत अच्छा। विदेश जाने का? और ये लोग बहुत सपोर्टिव है, सबसे बड़ी बात।